हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको स्टैंडर्ड सेकंड इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4.6 माय टेलीस्कोप सिखाने जा रही हूँ, जो कि एक छोटी सी बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई बॉट माय सेल्फ अ टेलीस्कोप टू लुक इन टू द स्काई टू सी द सोलर सिस्टम एंड द कॉमेट्स विजिंग बाय। I searched the sky for planets, for satellites and stars. And now I have got a telescope, they don't seem very far. It's brought them very close to me, it's made the stars my friend. Except of course when I make a mistake and look through the wrong end. Tony Bradman. Okay, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्या कह रहा है पोएट टेलीस्कोप के बारे में बताया। टेलीस्कोप आपको पता होगा स्टूडेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ऊपर सोलर सिस्टम को देख सकते हैं। ओके, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, बहुत दूर की चीज़ों को हम पास देख सकते हैं। तो वो होता है हमारा टेलीस्कोप। दिख रहा है ये बच्चा, ये देखिए होल्ड किया हुआ, इससे स्टार्स मून सबको देख रहा है। ओके, तो यहाँ पे पोएट का क्या कहना है कि आई बॉट माई सेल्फ अ टेलीस्कोप, मैंने एक बार टेलीस्कोप लाया टू लुक इन टू द स्काई, स्काई में देखने के लिए। To see the solar system, solar systems को देखने के लिए, तो solar system का मतलब होता है स्टूडेंट the sun and the other heavenly bodies around it, मतलब sun, जो भी ऊपर आसमान ऊपर जो होती है heavenly bodies होती हैं, okay, planets जो भी होते हैं उसको देखने के लिए हम use करते हैं। And the comets whizzing by, okay, तो यहाँ पे स्टूडेंट comets का मतलब होता है a heavenly body made of ice and dust, वो heavenly body जो कि ice यानी बर्फ और dust से मिलके बनी होती है, विथ वन और मोर टेल्स, ओके, जिसमें एक या एक से ज़्यादा टेल्स होते हैं। फिर विजिंग मतलब क्या होता है, मूविंग स्विफ्टली विथ अ नॉइस, बहुत तेज़ी से जाना, जैसे आपने देखा होगा रॉकेट कैसे तेज़ी से जाता है वैसे। आई सर्च द स्काई फॉर प्लैनेट, मैं क्या कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ स्काई में प्लैनेट्स को ढूंढ रहा हूँ, और सैटेलाइट्स एंड स्टार्स, और स्टार्स को और सैटेलाइट। सैटेलाइट मीन्स स्टूडेंट अ हेवनली बॉडी गोइंग अराउंड अ बिगर बॉडी एंड ऑब्जेक्ट that moves such as moon that moves around a much larger planet, like moon क्या है, एक satellite है। okay, ये बहुत ही large body होती है क्योंकि ये दूर है इसलिए हमें छोटी नज़र आती है। okay, and now I have got a telescope, but क्या बोल रहा है कि अब मेरे पास telescope आ गया है, they don't seem very far, अब ये मुझसे दूर नहीं है, क्यों, क्योंकि उससे काफ़ी पास में दिखेंगे। it's brought them very close to me, ये क्या करता है telescope, उनको मेरे बहुत पास ला के रख देता है। इट्स मेड द स्टार माई फ्रेंड्स, और मेरे स्टार को मेरा फ्रेंड बनाता है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स व्हेन आई मेक अ मिस्टेक एंड लुक थ्रू द रॉन्ग एंड, बस वो तभी नहीं दिखता है जब मैं कुछ मिस्टेक कर देता हूँ और उसको गलत तरीके से देखता हूँ। देखिए टेलीस्कोप ऐसे देखा जाता है ना, ये पतले वाले से, मोटा वाला यहाँ पर होता है, इसने देखा ये उल्टा होल्ड किया, मोटा वाला यहाँ होल्ड किया पतला, तो कैसे नजर आएगा, है ना। तो वही बोला कि अगर मैं गलत तरीके से पकड़ता हूँ तो मुझे नहीं नजर आते, पर सही तरीके से पकड़ता हूँ तो काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। सो व्हाट डू यू सी इन द स्काई, सोलर सिस्टम, ड्रॉ अ स्टारी स्काई एंड कलर इट, आपको स्टारी स्काई बनाना है, उसको कलर करना है, जहाँ पे स्टार्स बहुत सारे रहते हैं स्काई में। तो चलिए हार्डवर्ड्स देख लेते हैं। फार मीन्स दूर, सीम मतलब ऐसा लगता है, स्टार्स तारे, सोलार आपको पता है जो हमारे सोलर सिस्टम लाइक सन है, प्लैनेट्स है, वो सोलर सिस्टम है। कॉमेट्स, और ये मैंने आपको बताया हेवनली बॉडीज होती है जो कि आइस और डस्ट से बनती है। सिस्टम, ओके, सोलार को जो होल्ड करने का है, वो जो सोलार जो टेलीस्कोप होता है वो है हमारा सिस्टम। ओके, ब्रॉड लाना, माइसेल्फ मैं खुद से, सर्च ढूंढना, प्लैनेट्स आपको पता है जैसे अर्थ एक प्लैनेट है वैसे ही यूरेनस है, नेपट्यून है, ओके, मार्स है, जुपिटर, ऐसे प्लैनेट्स हैं। टेलीस्कोप ये इंस्ट्रूमेंट जिसे हम देख सकते हैं स्काई में काफ़ी नज़दीक चीज़ों को। विजिंग, ओके, विजिंग मतलब भी मैंने आपको बता दिया, बहुत तेज़ी से जाना आवाज़ करते हुए। सैटेलाइट आपको बताया मैंने, जैसे मून एक सैटेलाइट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पोएम कंप्लीट होता है। इनके राइट इनका जो पोएट का नाम है टोनी ब्रेडमैन है, ये भी आपको लर्न करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है। सो इसको अच्छे से लर्न कीजिए, हार्डवर्ड्स को लर्न कीजिए, पोएम को लर्न कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।